In the name of Allah the most gracious the most merciful Assalamu alaikum everyone welcome to my channel learning with anila kathri today i am going to translate paragraph number 5 of chapter number 1 the savior of mankind this is very important paragraph because we are going to translate first verse of holy quran which was conveyed to Holy Prophet, peace be upon him, by Hazrat Islam in the cave of Hira. So, let's get started. The period of waiting Intazaar ka lamha Intazaar ki had come to a close. Khatam ho chuki thi. The period of waiting had come to a close. इंतज़ार का लम्हा ख़त्म हो चुका था या हम कह सकते हैं इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो चुकी थी हिज हार्ट उनका दिल वोज ओवरफ्लोइंग छलक रहा था ओवरफ्लो भरा हुआ था छलक रहा था विद प्रोफाउंड शदीद कंपैशन हमदर्दी फॉर ह्यूमिटी इंसानियत के लिए हिस हार्ट वॉज ओवर फ्लोइंग विम्पेशन फॉर ह्यूमनिटी उनका दिल इंसानियत के लिए इंतहाई हमदर्दी से झलक रहा था यह हम ऐसे भी कह सकते हैं उनका दिल इंसानियत के लिए इंतहा हमदर्दी से भरा हुआ था द मोमेंट हेड अराइव लम्हा आ चुका था वन जब वॉज टू बी बेस्ट आउट उन्हें नवाजा गया बेस्ट आउटर्ट नवाजा गया with नबुवत, नबुवत से। अच्छा वर्ड भी यूज किया जाएगा दैट विल ऑल्सो बी करेक्ट राइट द मोमेंट है आ चुका था जब उन्हें नबूत से नवाजा गया एक दिन दिरा वो गारे हीरा में थे एक दिन जब वो गारे हीरा में थे हजरत जब्राइल अलेम हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम आए एंड कन टू हिम और उन तक पहुंचाया कन्वे कर देना पहुंचा देना टू हिम उन तक यहाँ पे हिम का वर्ड होली प्रॉफिट पीस भी बॉन्द हिम के लिए यूज किया जा रहा है एंड कन्वे टू हिम और उन तक पहुंचाया द फॉलोइंग मैसेज ये पैगाम ऑफ अलमा अल्लाह ताला का वन डे वन ही इन द केव ऑफ हिरा हजरत इब्राहल अस्लाम केम and conveyed to him the following message of Allah Almighty एक दिन जब वो गार हिररा में थे हजरत अलैहिस्सलाम आए और अल्लाह ये पैगाम उन तक पहुंचाया देखिए हजरत मोहम्मद सलम की बात कर रहे हैं कि जब वो गारि में इबादत में मसरूफ थे तो हज़रत अलैहिस्सलाम आए और हजरत मोहम्मद सलम से उन्होंने आके क्या कहा रीड <coughs> पर इन द नेम ऑफ द लॉर्ड अपने परवरदिगार के नाम से रीड इन द नेम ऑफ द एक्चुअली ये फर्स्ट वर्ड्स है होली कुरान की कुरान पाक की पहली आयत नाजिल हुई थी गारे हिरा में हज़रत मोहम्मद सल अल वम पर हज़रत जब्रसलाम के थ्रू तो ये उसका तर्जुमा है इकरा रब इकरबिर रबी जी खलक राइट ये उसकी हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ने लगे हैं रीड इन द नेम ऑफ द दलॉट पर अपने परवरदिकार के नाम से हु क्यूटेड जिसने पैदा किया क्यूटेड मैन आदमी को पैदा किया फ्रॉम अ क्लोट कतरे से ऑफ कंजील्ड ब्लड जमे हुए खून के देखें क्लॉट का मतलब भी जमा हुआ खून है उन्होंने ब्रैकेट में भी लिखा हुआ कंजील्ड ब्लड उसी उसी को एक्सप्लेन किया गया है तो आप जमा हुआ खून कह सकते हैं या आप लोथरा भी कह सकते हैं लोथरा वर्ड है उर्दू में आप वो भी यूज कर सकते हैं लोथरा या जमा हुआ खून कंजील रीड इन द नेम ऑफ द क्रिएटेड क्रिएटेड मैन फ्रॉम अ ऑफ़ कंजील ब्लड पर अपने परवरदिगार के नाम से जिसने पैदा किया पैदा किया इंसान को जमे हुए खून के कतरे से रीड पर एंड द लॉट इज मोस्ट पाउटिफुल और तेरा परवतिकार बहुत गर्म करने वाला है बाउंटीफुल करीम कर्म करने वाला रीड एंड द लॉर्ड इज मोस्ट बाउंटीफुल और तेरा परवतिकार बहुत गर्म करने वाला है Who taught, जिसने सिखाया द यूज ऑफ पेन कलम का इस्तेमाल अच्छा देखिए यहां पे ये वर्ड बहुत क्लियर लिखा हुआ है द यूज ऑफ पेन ठीक है इसके ट्रांसलेशन एक्चुअली बनती है कलम का इस्तेमाल बट हम यहाँ पे ये कह सकते हैं हु टॉट द यूज ऑफ पेन कलम के जरिए इल्म टॉट मैन आदमी को सिखाया दैट वॉज ही न्यू नॉट जो कि वो नहीं जानता था I will translate uh, this word to polygram one more time Read in the name of the Lord अपने परवृतिकार के नाम से जिसने पैदा किया जिसने इंसान को जमे हुए खून के कतरे से पैदा किया पर और तेरा परवरतिकार बहुत गर्म करने वाला है जिसने कलम के जरिए इल सिखाया और आदमी को सिखाया जो कि वो नहीं जानता था और का कर लें तो भी ठीक है नहीं करेंगे तो भी ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट पैराग्राफ नंबर फाइव ऑफ चैप्टर नंबर द सेवर ऑफ मैन काइंड आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू एंड इट वॉज रियली रियली इंफॉर्मेटिव सो फॉर द ट्रांसलेशन ऑफ नेक्स्ट पैराग्राफ बी विद मी इन माई नेक्स्ट वीडियो थैंक यू